वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। एक वैकेंसी आई हुई है NPCIL में, इसके लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि क्या कैसे रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहली बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, इसीलिए अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 2 ईयर्स के लिए, जो है ये दिया गया है यहाँ पर कि 2 ईयर्स के लिए जो है फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है 2 ईयर्स के लिए, और टिल सेलेक्शन ऑफ पर्सनल्स ऑन रेगुलर बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है कि NPCIL में जो गेट से रिक्रूटमेंट होता था वो अभी नहीं हो पा रहा है, इस कारण से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर वो सिलेक्शन हो जाएगा पहले तो उनको ले लिया जाएगा और इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। आगे हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि BTEC डिग्री होना चाहिए आपके पास, जो सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबका जो है ये क्वालिफिकेशन दिया गया है। और जो हमारा सैलरी दिया जाएगा वो 61,400 पर मंथ, ये कंसोलिडेटेड है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैकेंसी होती है उसमें कंसोलिडेटेड ही दिया जाता है। अगली बात, यहाँ पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है वही ऊपर जो मैंने बताया 2 ईयर्स के लिए, और टिल द सिलेक्शन ऑफ पर्सन ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये तो कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह है वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है इनका वो जो है इस तरह है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ये आपका जो BTEC में परसेंटेज है उसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बेसिस पे फिर सिलेक्शन होगा। इसमें लिखा गया है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए मार्क्स बेसिस पे, क्योंकि आगे दिया हुआ है वो मार्क्स का, और उसके बाद ही जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उनका हॉस्पिटल है वहाँ से हम लोग को वेरीफाई होना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ है। एक आपका फॉर्म जो है वो 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 29 जुलाई को जो है फॉर्म का लास्ट डेट है, तो आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग जान चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 2 साल के लिए, और जो सैलरी वगैरह आप लोग जान चुके हैं। और यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग, कि यहाँ लिखा गया है कि परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी मेंशन्ड इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 49.99 है तो इतना ही लिखना है, शुड नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 50 और 60%। इसका मतलब है कि मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होना है इसमें। ठीक है, और जो कट ऑफ डेट मतलब जो दिया गया है, और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हम लोग कुछ OBC वगैरह का जो लगाना है उसका भी कट ऑफ डेट कुछ दिया गया है कि आपका ऑन और आफ्टर, जो अगर OBC आपका 1 अप्रैल 2020 के अगर बाद का है तो वो वैलिड नहीं होगा, उससे पहले का होना चाहिए। और EWS भी जो है वो EWS शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग सारे कंडीशंस को जान ही चुके हैं कि इसमें मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होना है, सैलरी 61,400 है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सिलेक्शन होना है। तो इन सारी चीज़ों को देख के और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप लोग देख ही चुके हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हों कर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।